एक जो वर्ड है वो आपके मतलब किस उसमें आता है, जमरे में, यानी माफिया है, डॉन है, गुंडा है, मवाली है, टपोरी, व्हाटएवर, सबका बाप, सबका बाप खलनायक। इस नाम जो एक फिल्म पाकिस्तान में भी बनी थी, ओ जान मोहम्मद जुम्मन ने बनाई थी, मुझे ऑफर थी। जान मोहम्मद जुम्मन ये कौन है? ये मशहूर डायरेक्टर है, उसने मुझे ऑफर किया था, लेकिन मेरे पैसे सुन के उसने फिल्म प्रोडक्शन से ही तौबा कर ली। तो तुमने पैसे कम के गिनाए? मतलब जो तुम्हारी लग रहा होली से कि कम पैसे लेके तुम कहते हो कि पैसे भले मुझसे ले लो, मूवी मुझे दे दो, ऐसे नहीं, तुम्हारा होलिया तो यही बता रहा है। वाकई तो खलनायक है साले साले। ऐसे ये बताओ मुझे कि कभी ऐसा ख्याल आया कि तुम्हें ज़िंदगी में मोहब्बत हुई हो और बहुत शदीद हुई हो, जैसे तुम्हें अभी शदीद किस्म का ख़तरा लगा कि अपने साथ से, शख्सियत से, पुलिस से, बताओ कोई ऐसी मोहब्बत हुई थी तुम्हें? मैं सच एक्सप्रेस वालों का शुक्र गुजार हूँ। चाय पिलाई कि उन्होंने आज मुझे दुबई में बुला के इस खलनायक का गया तो मेरी बेइज्जती खराब की, वरना मेरे पास टाइम नहीं होता। अपन टपोरी लोग हैं, फिल्मों में शूट, होम प्रोडक्शन, दोस्तों में पार्टी, संजू बाबा एवार्ड शो, कहाँ जाएं, हर वक्त हम मसरूफ रहते हैं। घर में रोजाना टिकटॉक भी तो बनाते हैं ना भाई। आजकल तुम्हारा काम सारा टिकटॉक बनाने पे है। अच्छा कभी सोचा कि सियासत में हो तुम? वालिद तो आपके सियासत में ही थे। बस वालिद साहब ही सियासत में थे, और आज तक जो जो अदाकार फेल हो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की सियासत में आए हुए हैं, बड़े जलील और रुस्वा हुए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आए, क्यों वो सुधार नहीं सकते अपनी आवाम, अपने इख्तदार को, अपने लोगों को, अपने सारी इंडस्ट्रीज को, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी तो इंडस्ट्री है, उनको कामयाब क्यों नहीं करते? कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने में और इसको प्रैक्टिकल करने में आई थिंक बहुत फर्क है। अब्बा ने बताया था कि वो एक बार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे, गालिबन खारादर के इलाके में, गंजी ग्राउंड के पास, ककरी ग्राउंड, वो आपको बताया, वो आपको याद करवा रहा हूँ, ककरी ग्राउंड पे, और अब्बा पैदल चलते हुए मूसा लेन पर पठान की होटल पर आए थे। डंडा रख दो ना, पड़ जाएगा। अब्बा पैदल चलते हुए मूसा लेन में पठान की होटल पर आए थे, और वहाँ वही टपोरी उससे मिला था। कौन टपोरी? जावेद टाकानी। तुम्हारे इलाहा भी कोई टपोरी है? फिर जावेद ने क्या किया? जावेद ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब्बा ने कहा है कि जिंदगी में जब भी मिलो तो जावेद टाकानी से जाकर पाकिस्तान में जप्पी डाल देना, कराची के एयरपोर्ट पर जब उतरे तो उसे फोन कर देना। मैं आज तक उस साले जावेद टाकानी को ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिलेगा, वो खुद भी तुम्हारी तरह फरार है। खैर जिंदगी में ऐसा तो होता रहता है, लेकिन एक बात याद रखना हो जावेद टाकानी, ये साल अपन तुमको भूलने का नहीं है। क्या साले हो तुम उसके? जिस दिन भी अपन आ गया ना पाकिस्तान, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाऊंगा। AK-47 डंडा साथ होगा। तुम डंडा कहते हो, हम इसे AK-47 कहते हैं। तुम चिल्लाते रहे काल कोठरी में, नहीं मेरे हाथ में डंडा था, नहीं मेरे हाथ में डंडा था, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे हाथ में AK-47 था। तुम्हारा यकीन दो, उस पुलिस ने नहीं किया, हम क्या करेंगे? करना पड़ेगा दुनिया को कि सिर्फ वाहिद अकेला, सिर्फ वाहिद मैं हूं खलनायक, लायक जिंदगी को तुमने खलनायक। कितने आदमी थे क्या हुए? खबरदार ऐसे ना देख मुझे, ऐसे ना देख मुझे, नजर लग जाएगी, चोट जाने के दर है इधर लग जाएगी। ओहो तुम तो पूरा खानदान ही दिखाने लग जाते हो। तुम्हें थोड़ा सा स्टार्ट करने की देर होती, उसके बाद तुम बस मैं एक लीटर में 70 किलोमीटर। मैं इंजन हूँ? इंजन नहीं हो तुम, फेलूलर हो तुम, मूवीज में भी काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से मुझे अपने हथेली पे घुमाती और फिर चमाट दे के रख। माधुरी मान जाती तो आज ये हाल ना होता। किसका, मेरा या तुम्हारा? मेरा। कुछ शेर तो सुना दो। क्यों? अच्छा सा मैं सुना दूं? सुना दो, लेकिन मेरी तारीफ में कसम तुमको मेरे सर की, आए है आए है, इसमें बाबा बोलो, समझ तो आए तुमको मेरे सर की,
मेरे पहलू से ना सर को। वाह, कसम तुमको मेरे पहलू की। ओ नहीं नहीं सर की, सर की, सर की, सर की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से ना सर को, अगर सर को तो यूं सर को कलम करके इसके सर को। मैं भी कुछ इरशाद करूं? इरशाद। तड़कती थी तड़कता था, तड़कती थी तड़कता था, तड़कती थी तड़कता था, बस तड़कती थी तड़कता था, तड़कती थी तड़कता था। चंबा ऐसे लगे ना तुम्हें, एक तड़कती थी तड़कता था। आप बाबा तो नहीं कर रही ना? नहीं ना, आगे बोलोगे तो बाबा करूंगी, जुमला तो मुझे कैच कर। तड़कती थी तड़कता था, तड़कती थी तड़कता था, आगे क्या? तड़कती थी तड़कता था, आगे क्या? तड़कती थी तड़कता था, आगे तक यही है। तड़कती थी तड़कता था, तेरी खिचड़ी मेरा आटा, तेरी गुद्दी मेरा चौंटा, बिना डोरे पतंग काटा। आगे बोल, चल शावर तेरी लाइन है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। आगे क्या है? हसन दिले भी ना है, तेरी याद है तन्हाई है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है। मैंने सुना है दुबई वाले स्टूडियो सच एक्सप्रेस में माधुरी दीक्षित की फोटो कॉपी आई है। ऐश्वर्या की फोटो कॉपी आई है। पहले जमाने के क्या शेर थे, वाह वाह, और तेरे सर पे पैर थे। पहले जमाने के क्या शेर थे, वाह वाह, और उनके टुड़ू सवा शेर थे। वाह 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 वाह, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, बेचने निकले इनके केले में। वावा करो, वावा वावा वावा, जिंदगी, वावा वावा, आगे सुन लो ना कुछ उठा। आपने कहा वावा करें, जिंदगी के वावा वा, अभी मैं बोलूंगी खबरदार जो बाबा की, अभी बाबा आखिर में करना है जब समझ में आए। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, वक्त की रवानी है, वक्त की गिरानी है, सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है, तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है बात वो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं, हो सके तो सुन जाना एक दिन अकेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। अब बाबा बोलो, बाबा 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 बाबा, मैंने आपको बताया ना कि मैं एक बार कबाड़ी भी था। लग रहा है कैसे कैसे तो ले जा तीन डबे, ले यार तीन डबे, पुराने लोयाले, तीन डबे पुराने लोयाले, पुराना सामान ले जाओ, नया सामान ले, ले जा भाई ले जा, पुराना सामान ले जाओ। नया बदले में क्या लोगे? माधुरी भी पुरानी हो चुकी है, इतना मत करो गुरूर, मत कर इतना गुरूर, चेहरे पे ए हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो, तेरी सादगी पे मरते हैं। सुना, तुम भी कुछ सुना दो, मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। मुझे शूट पे जाना है, बस आप ने इंटरव्यू कर लिया, बहुत इसी कपड़ों में शूट पे जाओगे, धो लेना इसको, मैले हो रहे, बहुत गंदे वो आप लोगों के, वो जो डायरेक्ट है ना वो मुझे पैसे, डायरेक्टर वही वही जो तर हो गया है उससे मैं पैसे लूंगा, तर हो गया है। मैं उससे जाके पैसे लूंगा, धुलवाऊंगा, फिर आपको साथ ले जाऊंगा। आज वैसे आज शाम को आपकी क्या मसरूफियात है? फोन पे बात कर ले। फोन पे नहीं, आज शाम की बात है, अभी अभी तो हो। इतना तुम ठरकी इंसान, मैं कोशिश कर रहा हूँ नायक नहीं, आप सच एक्सप्रेस मेरे साथ रहिए, बकवास शो देखते रहिए, और प्रोग्राम आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ये था बकवास शो, आपने सुनी बहुत सारी बकवास, मुझे दीजिएगा इजाजत, सैम खान आफरीदी, वस खलनायक।